दोस्तों आज से मैं हर संडे को कुछ सीरीज कुछ हफ्तों के लिए चलाने जा रहा हूँ, जिसमें आप सभी यूट्यूबर्स के लिए ही मैं वीडियो स्पेशली बनाऊंगा। यानी हमारे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, तो आज से यानी हर संडे को संडे मैं सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए ही वीडियो बनाऊंगा और मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोग से भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं हम बात करते हैं कि वाई यूट्यूब, यानी यूट्यूब चैनल पे आप जो वीडियो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, उसमें मैंने बताया था कि यूट्यूब से थोड़ी बहुत तो हमारी भी अर्निंग हो जाती है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब से जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो जो वीडियो पोस्ट करते हैं, उनसे उनको अर्निंग होती है। अब बस इतना जानने के बाद आपके मन में काफी सारे सवाल आ गए होंगे कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे एडिट करते हैं। चलिए एक मिनट के लिए आप जानते हैं ये सब चीज, फिर आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करें, ऐड कैसे आएंगे, मोनेटाइजेशन वीडियो पे कैसे आएंगे, ऐड कंपनी से क्या कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, मैं अपने हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा ट्यूटोरियल करके मैं बना दूंगा, लेसन 1 2 3 करके मैं बना दूंगा, और A to Z जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा, सारा का सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। हालांकि आप देख सकते हैं मैं ज्यादा टाइम से नहीं, सिर्फ मैं 2016 से ही यूट्यूब पे हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं यूट्यूब यूज करता था। वहां पे मेरा एक चैनल हुआ करता था E-Learn & Money, वो बंद हो चुका है आज के डेट में। तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब यूज करते थे तो आप मेरे पास भी एक्सपीरियंस का कमी था, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग जाता था, कभी कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता था, तो कभी मेरा एडसेंस डिसेबल हो जाता था। तो इस तरह का काफी सारे प्रॉब्लम्स नए यूट्यूबर्स को खास करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना नए यूट्यूबर्स को जो प्रॉब्लम फेस करना चाह रहा, मतलब करना पड़ रहा है, और यूट्यूब से वो हेल्प से जाके हेल्प में सेंटर से हेल्प भी लेते हैं, तो मेल भी करते हैं, तो कभी रिप्लाई आता है, कभी नहीं आता है, कभी प्रॉपर ढंग से आया तो आपको समझ में नहीं आया, आप उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कोई कस्टमर केयर का नंबर नहीं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब ऑलरेडी वीडियोज हैं, कुछ वीडियो सक्सेस भी हैं, कुछ वीडियो फेक के हैं, सिर्फ व्यूज लेने के लिए ऐसा करते हैं। तो बस मैं अपना ये स्टार्ट करने का, ये सीरीज स्टार्ट करने का मेरा यही एक मकसद था कि आप भी अगर यूट्यूब नहीं जानते या फिर बेसिक जहाँ जहाँ कमी है तो आप जरूर देखिए। मुझे पता है कि आप मुझसे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही जानते होंगे, फिर भी आप, मैं आपको एक बार बोलूंगा कि आप देखिए वीडियो, एक बार देखिए, 5-10 मिनट 5 मिनट टाइम इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कि शायद मैं कुछ एक नया बात बता दूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जो आप नहीं जानते हो। और एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डालना। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखिए ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स मुझे रोज मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ फुल्ली, मतलब बहुत मेहनत करता हूँ, पूरा डेडिकेटेड है उनके लिए, पूरा काम वाम मतलब फुल टाइम मतलब ये ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी उनके व्यूज नहीं आ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, अर्निंग नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप ये तीनों जो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है व्यूज, यूट्यूब पे व्यूज आना जरूरी है, व्यूज आने के लिए सब्सक्राइबर भी जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइबर होगा तभी व्यूज होगा, मैं ऐसा भी चैनल जानता हूँ जिसपे मतलब बहुत 100 से भी नीचे सब्सक्राइबर है और उनका एक वीडियो बनाया वायरल हो गया, तो वायरल हो गया तो ऑटोमेटिकली व्यूज बढ़ता ही चला गया, तो सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन व्यूज है। जो आपको मेन अर्निंग होती है यूट्यूब से वो होती है व्यूज से, सब्सक्राइबर से नहीं होती है, सिर्फ व्यूज से होती है। फेमस चैनल होना भी जरूरी नहीं है, नया चैनल बनाया वीडियो वायरल भी हो सकता है, तो बस व्यूज हो गए, व्यूज हो गई तो अर्निंग हो गई। तो YouTube बस आपका YouTube चैनल को आपको एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट होना चाहिए। अब एडसेंस क्या है उसके लिए आप चिंता ना कीजिए, मैं डिटेल बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ आपको एक एक करके। तो बस यही चीज ध्यान रखिए कि YouTube पे व्यूज इंपॉर्टेंट है। व्यूज कैसे लाए, क्या आप अपना वीडियो 10 बार देखे, 10-15 ID बना ले उससे देखे, या फ्रेंड को बोल दे देखने के लिए, क्या इतना ही हो जाएगा, इतना ही सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपना वीडियो भी 10 बार देखिएगा कुछ फायदा नहीं होगा, और कभी कभी अपने आईडी से लॉगिन करके देखिएगा तो चैनल आपका स्ट्राइक भी आ सकता है, चैनल बंद भी हो सकता है। तो काफी सारे बात है, इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यूट्यूब के लेकर, तो इस सब चीज का फॉलो कीजिएगा तो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर आप बन सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप अगर संडे का संडे, मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर कम से कम मेरा 6-7 एपिसोड आप मेरा देख लें सिर्फ संडे को संडे, तो आप बहुत ही अच्छा यूट्यूब पे आप ग्रो कर सकते हैं। हालांकि मेरा भी बहुत ज़्यादा भी सब्सक्राइबर नहीं है, 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होता है, फिर भी मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके हम ग्रो करें। तो मैं जितना जानता हूँ मैं आपसे शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज मैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देके मैं ये वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। मैं अगले हफ्ते जो वीडियो मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट ए प्रॉपर यूट्यूब चैनल, कैसे वीडियो को अपलोड करेंगे और कैसे हम उसको पब्लिश करेंगे, मोनेटाइजेशन में हम कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, यानी एडसेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे, यूट्यूब अकाउंट कैसे बनाएंगे, दोनों को ऐड कैसे करेंगे, उसको मैं प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाऊंगा। थोड़ा प्रैक्टिकल से पहले मैंने आज इसलिए सोचा थोड़ा थ्योरी क्लास आपसे ले लें, फिर बाद में अगले वीक में हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके आपको भी वो भी बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।